पौष शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी सायं 7:27 से हो रही है। इस तिथि का समापन 21 जनवरी सायं 7:28 पर होगा। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसका महत्व, इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु के अलावा माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई जातक इस व्रत को विधि पूर्वक करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे हो जाते हैं। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय यह व्रत कथा जरूर पढ़ें। भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा इस बात से चिंता शोक में डूबे रहते थे। उनके पितृगण भी चिंतित रहते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो उन पितरों को तर्पण करा सके। यह सोचकर पितृगण भी दुखी रहने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए। वहाँ जंगली जीवों को देखते और घूमते हुए कई घंटे बीत गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे, सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुनि, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव है, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को उत्तम पुत्र देती है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। यह सुनकर राजा बोले, हे विश्वदेवगण, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। इसका व्रत फल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधि व्रत किया और द्वादशी को पारणा किया। मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस घर आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।